नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं निबंध लेखन। तो दोस्तों आने वाली जो 10वीं की एग्ज़ाम्स है उसके ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया है, क्योंकि ये जो निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, विज्ञापन लेखन है, इससे अच्छे से अच्छे मार्क्स हम लोग पा सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि आपको भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले और थोड़ी जानकारी मिले कैसे कर सकते हैं निबंध लेखन, विज्ञापन लेखन और पत्र लेखन, इसकी वजह से मैंने ये निबंध लेखन का वीडियो बनाया है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन और पत्र लेखन अपलोड किया है। अगर आपको पता नहीं कैसे करते हैं या कैसे लिखते हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं या ऐसे ही वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। तो दोस्तों चलिए निबंध लेखन कैसे लिखते हैं या आप कैसे ध्यान रख सकते हैं पॉइंट्स वो देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला हम लोग का निबंध क्या है, नदी के आत्मकथा। ओके, तो दोस्तों देखिए, अगर किसी की आत्मकथा लिखनी हो, फॉर एग्जांपल बोलिए अभी हम लोग को नदी देख रहे हैं, तो नदी का उगम कैसे होता है, नदी कहाँ से आती है, या चार पांच नदियाँ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना आपको समझना चाहिए और नदी की आत्मकथा। ओके, तो नदी की आत्मकथा में क्या होता है कि नदी अपने बारे में बताती है। तो अभी हम लोग को इसमें जब भी हम लोग नदी के बारे में निबंध लिख रहे हैं तो नदी की आत्मकथा में नदी हम लोग को बताती है कि उसके बारे में, तो हमें इसमें आपके दुष्परिणाम और बोलते हैं ना कि दुष्परिणाम परिणाम ये सब चीज़ें इसमें आती है, जिसकी वजह से निबंध और भी अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ और आपको समझा के बताता हूँ। पर्वत से निकलकर कलकल ध्वनि करती बहती पर्वतराज हिमालय की पुत्री में गंगा नदी हूँ। ओके, ये गंगा नदी बोल रही है। लोग मुझे अत्यंत पावन मानते हैं। बाल्यकाल में मैं बहुत नटखट थी, मतलब जब भी मैं छोटी सी नदी थी या बोलते हैं ना कि जब भी मैं बोलते हैं ना कि उगम से निकलती हूँ तभी। बचपन पर्वत के छने जंगलों तथा हरी भरी छड़ियों में बीता, वही मैं बड़ी हुई। चैन से बैठना मेरा स्वभाव नहीं है, मतलब कंटिन्यू ही चलती रहती है इसलिए चैन से बैठना मेरा स्वभाव नहीं है। नए नए स्थान देखने का मेरा शौक मुझे अपने पिता की प्यार भरी गोद से दूर मैदानों में ले आया। इस समय मेरा जल दर्पण के समान स्वच्छ था। ओके, उस समय मतलब अभी बातें अलग हो गई है। पर्वत से नीचे उतरकर अथाह जलराशि के कारण मेरा विस्तार बढ़ा, परंतु मेरी गति धीमी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, मेरे किनारों पर गांव और नगर बसने लगे। प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता आदि नगर मेरे कारण ही विशेष माने जाते हैं। लोग मेरे जल पीने, खाना बनाने, नहाने धोने और खेतों में सिंचाई आदि विभिन्न कामों में इस्तेमाल करते हैं। पशु पक्षी भी मुझसे जल प्राप्त करते हैं, मतलब जल पीते हैं। समय के साथ साथ गांव और नगरों की उन्नति हुई, वहां अनेक परिवर्तन हुए। मेरे तटों पर घाट बनाए गए, नए नए उद्योग धंधे विकसित होने लगे। मुझ पर बांध बांधे गए, मुझसे नहरें निकाली गई। ओके, लोग कल्याण करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है परंतु जब कभी बहुत अधिक वर्षा होती है तब मेरा जल स्तर बढ़ जाता है, उससे मुझसे बाढ़ आ जाती है। मेरे किनारे बसे हुए गांव और नगर, खेत और खलियान, पशु सब बाढ़ में बह जाते हैं। मुझे तब बहुत दुख होता है, परंतु प्रकृति के आगे मैं विवश हूँ, मतलब प्रकृति के सामने मैं फोल हूँ या हार गई हूँ। इसकी वजह से मेरी जलधारा सदैव बहती रहती है, प्रत्येक जीव जंतु की को सुखी बनाती है, मैदानों को उपजाऊ बनाते हुए हजारों लाखों लोगों के एकता के सूत्र में बांधकर बोलते हैं ना कि लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा करते अंत में मैं सागर में विलीन हो जाती हूँ। तो ये दोस्तों आत्मकथा है।
ये ऐसा छोटा सा ही निबंध लिखना है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर नदी की आत्मकथा हो तो उसमें आप दुष्परिणाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी नदी ने हम लोग को बताया कि उसके बाजू में घाट भी बसे हैं, तो घाट बसने की वजह से प्रदूषण होता है, ये सब आप लिख सकते हो अगर आपको निबंध और अच्छे से लिखना है, बड़ा लिखना है। मैंने कैसे छोटे ही निबंध लिखा है जो एक पेज का है, देख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लिख सकते हो तो ज़्यादा भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स बताए हैं। अभी दोस्तों हम लोग आगे का निबंध देखते हैं। पुस्तक प्रदर्शनी में एक घंटा, पुस्तक प्रदर्शन मतलब जो बुक एग्जीबिशन होता है उसमें एक घंटा, ओके। तो दोस्तों देखिए, पुस्तक प्रदर्शनी में एक घंटा क्या होता है, तो पहले तो हम लोग पुस्तक प्रदर्शनी कहाँ है, वो पुस्तक प्रदर्शनी में कौन से पुस्तक है, वहाँ क्या क्या देखने को मिला, उधर क्या क्या कौन सी बोलते हैं ना कि विषय पे पुस्तकें थी, उधर का माहौल कैसा था, कौन कौन उधर आया था, ये सब हम लोग को उधर ना इस निबंध में लिखना है, क्योंकि पुस्तक प्रदर्शनी में आप एक घंटा आपने बिताया है, ओके। तो उधर आपने क्या क्या देखा, उधर आपको क्या क्या सीखने को मिला, आपको क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिली, ये सब आपको इस निबंध में लिखना है, जो आपको बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए, जिससे आपको मार्क्स भी अच्छे से मिल पाए। उदाहरणार्थ देखिए, पुस्तकें अनमोल होती है, मैं पढ़ता हूँ, वे हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान का भंडार होती है। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में जीवित रहते हैं। पुस्तक प्रदर्शनी और मेले हमारे लिए वरदान हैं। ये पाठकों और लेखकों का संगम होते हैं। प्रत्येक वर्ष अगस्त में पुणे में कोरेगांव पार्क में पुस्तक प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया जाता है। अपने पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक वहां आते हैं। इस बार मैं भी उस प्रदर्शन में गया था। स्टॉल पर पुस्तकें बड़े आकर्षक ढंग से सजी हुई थी। सभी स्तर और रुचि के लोगों के लिए वहां सामग्री थी। इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, धर्म, भाषा, यात्रा, जीवन वृत्त आदि सभी विषयों की पुस्तकें वहाँ थी। अनेक स्कूलों के विद्यार्थी भी वहाँ आए हुए थे। बच्चे बड़े सभी पुस्तकें खरीदने में व्यस्त हो गए थे, या उनको देख पढ़ रहे थे। कुछ लोग समूह में खड़े हो पुस्तकों पर चर्चा कर रहे थे। मेरे पास समय का अभाव था। मैंने अपने और छोटे भाई के लिए मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह तथा हिंदी का एक शब्दकोश खरीदा। तो दोस्तों ये मैंने छोटा सा ही निबंध लिखा है, तो आप मैंने जैसे आपको पॉइंट्स बताए उसके आधार पर बोलते हैं ना कि पुस्तक प्रदर्शन लिख सकते हो। जैसे कि मैंने ये पुस्तकें उधर देखी, जो आपको पुस्तक को नाम याद रखें वो बाद में वो कैसी सजा के रखी थी, लोगों ने कौन कौन सी पुस्तकें ज़्यादा ली, लोग किस विषय पे बात कर रहे थे, लोगों को और आपने उधर नई नई कौन कौन सी चीज़ें और नई नई कौन कौन के विषय पर पुस्तक देखी, और बाद में सबसे अच्छी आपको पुस्तक कौन सी लगी, आपका लेखक कौन सा आपको अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, जिससे आपके निबंध में चार चांद लग जाए। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे का निबंध देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा निबंध है, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो दोस्तों ये है इमेजिनेशन है, तो दोस्तों ये एक काल्पनिक निबंध है, हम लोग बोल सकते हैं, मतलब अगर होता तो मैं क्या क्या करता। तो अगर देखिए मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो आप क्या करते थे, जो चंद्र है वो देखने का प्रयत्न करते थे, अलग अलग जो ग्रह हैं हम लोग ने जो पुस्तक में अभ्यास किया है उसके बारे में वो देखने का अवसर मिलता था, चांद में माफ़ कीजिए अवकाश में सितारे कैसे दिखते हैं वो अनुभव था, और बाद में अंतरिक्ष में चलने का आनंद लेता, हवा में उड़ने का आनंद लेता, तो अंतरिक्ष में ये सब चीज़ें करने का आप आनंद ले सकते हो या आप बता सकते हो इस निबंध में। जैसे कि हम लोग ने चित्रपट या मूवीज़ में बोलते ना कि फिल्मों में देखा है, वैसे ही आपको भी लगता होगा कि अंतरिक्ष में होता तो मैं ये करता, तो ऐसे जो आपको सोचे मतलब जो आपको सोचता है वो सब आप इस पर लिख सकते हो, पर लिखते समय आपको एक एक पॉइंट अच्छे से प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अंतरिक्ष में अगर आप होते तो क्या क्या करते। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा निबंध पढ़ के दिखाता हूँ। पिछले कई वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान में जो प्रगति हुई है वह सराहनीय है, मतलब बहुत
बोलते ना प्रशंसनीय है। पहले अंतरिक्ष यात्रा कल्पना से अधिक कुछ नहीं थी, मतलब नामुमकिन जैसी लगती थी, लेकिन आज अंतरिक्ष यात्रा के सपने सच हो रहे हैं। रूस ने अंतरिक्ष यान के द्वारा अपने अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा था। फिर तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री बन गए। अब तो ऐसा लगता है कि कभी न कभी हमको भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन यह कब संभव होगा कहा नहीं जा सकता। काश मेरा घर अंतरिक्ष में होता। यदि सच में मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो कितना अच्छा होता। जिस आसमान को दूर से देखा करते हैं हम उसकी खुश में खूब सैर करते, चांद सितारों को नज़दीक से देखते, बादलों के बीच लुका छुपी खेलते, परियों के देश में जाते। वे किस तरह रहती है जानते देखते देखने का अवसर पाते। हम अंतरिक्ष से अपनी सुंदर धरती को देखते, अपने प्यारे भारत को देखते, आकाशगंगा के विभिन्न ग्रहों को उपग्रहों को देखते, सौरमंडल के सबसे सुंदर ग्रह शनि और उसके वलयों को देखते, मतलब जो शनि होता है उसके बाजू में जो वलय है वो देखते, उनके जितना निकट जा सकते, मतलब पास जा सकते अवश्य जाते, स्पेस वॉक करते, वहाँ फैली शांति का अनुभव लेते, वहाँ के प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का मौका पाते थे, मौका मिलता, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाता। काश ऐसा हो पाता। तो दोस्तों ये मैंने छोटा सा निबंध पढ़ा। तो मैंने दोस्तों जो जो आपको पॉइंट्स बताए वो ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आपको परीक्षा में ऐसा कुछ निबंध आता है तो आपको बहुत उपयुक्त तो होगा निबंध लिखने के लिए। तो दोस्तों हम लोग ने इस वीडियो में क्या देखा, निबंध लेखन। हम लोग ने इधर इसमें तीन पॉइंट्स देखे, तीन प्रकार के निबंध लिखे। तो दोस्तों आपको ये निबंध का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आने वाले दसवीं के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों परीक्षाओं में अगर आप ऐसे परफॉर्मेंस करोगे, ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे लिखोगे, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आने की निबंध के पॉइंट्स में संभावना है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू के बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए नए वीडियो आपको प्रथमता देखने के मिलेंगे। और दोस्तों अपना ये YouTube चैनल अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलिए, जिससे उन्हें भी मदद मिलेगी आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों चलिए बाय बाय, तब तक ध्यान रखिए अपना।